हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म वन की एग्जामिनेशन को लेकर आप लोग की सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड टर्म वन की एग्जामिनेशन को लेकर क्लास 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों को लेकर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है एक सबसे बड़ी सर्कुलर जारी की गई है। जैसे कि आपको पता होगा, टर्म वन के जो मेजर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों के, आपके 30 नवंबर और 1 दिसंबर से जो है दोनों ही क्लासेस के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उससे पहले यानी 30 नवंबर से पहले ही जो है आपके प्रैक्टिकल होने हैं, तो उसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने सभी बच्चों को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ी सर्कुलर जारी करते हुए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर दी है। 9-10 को लेकर जो सबसे पहली बातें जो सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर की है, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड के जो क्लास 9 और 10 के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दी गई है कि 9 और 10 के जो छात्र हैं अपने टर्म वन के एग्जामिनेशन के दौरान जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उससे पहले जो आपकी तैयारी है, प्रैक्टिकल को लेकर तैयारी है जो है, छात्र आप प्रैक्टिकल की तैयारी घर बैठ के ही कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अभी क्लासेस जो है आपकी फिजिकली क्लासेस भले ही चल रही हो, लेकिन फिजिकली क्लासेस जो है हर एक जगह जो है रेगुलर बच्चों की नहीं है, यानी 50% जो है कैपेसिटी के साथ जो है हर जगह स्कूलें चल रही है। जहां पर आपको एक दिन स्कूल जाना होता है तो अगले दिन आपको नहीं जाना होता है, यानी अगले दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, एक दिन आपकी ऑफलाइन होती है। तो इस तरीके से जो है बच्चों को प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कराना काफी ज्यादा जो है चैलेंजिंग था। इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग को लेकर पूरी कंप्लीटली सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 9-10 के बच्चों को जो है प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है वर्चुअली जो है आपको प्रैक्टिकल का पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए जो है आपको एक वर्चुअल जो है आपको लैब प्रोवाइड कराई जाएगी। सारे एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग घर बैठ के ही सीख सकेंगे। जितने भी आपके प्रैक्टिकल होने हैं, प्रैक्टिकल की जो पूरी कंप्लीटली जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली जो है आपको जो है फिजिकली जो है आपको लैब में करना है, तो सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे एक्टिविटीज जो है आप खुद जो है घर बैठ के सीख सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड जो है ओ लेवेस्टो जो है यहां पर जो है आपको एक वर्चुअल जो है आप एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट का, आपको एक्टिविटीज का, जैसे मानो कि आप लोग क्लासेस में ही बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है एक प्लेटफॉर्म जो है सीबीएसई बोर्ड ने तैयार किया है, वैसे ही पूरी तरीके से 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहां पर जो है लिंक एक्टिवेट किए गए हैं अभी फिलहाल 9th और 10th को लेकर, यानी 9-10 को लेकर जो है लिंक एक्टिवेट किया गया है 2021 और 2022 के जो सेशन होने वाला है टर्म वन का, उन सभी छात्रों के लिए। और सीबीएसई बोर्ड जो है जल्द ही 11-12 को लेकर भी इसको लेकर एक्टिवेट कर देगा। तो सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं 9-10 के, उनके लिए जो है सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि आप लोग घर बैठ के ही जो है प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकेंगे, जिसमें 9 को लेकर आप लोग देख सकते हैं टोटल 20 एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए हैं, और वहीं 10 को लेकर भी यहाँ पे जो है सारे एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो है यहाँ पे रिएक्शन है, और सारे लिंक जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, मटेरियल लिस्ट का लिंक जो है, एक्टिविटी का जो है यहाँ पे पूरी तरीके से लिंक। तो ये सारे लिंक आप लोग देख के जो है खुद प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको टोटल जो है क्लास 10 का 22 लिंक आपको प्रोवाइड कराया है। ये सारे लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपके लिए इजीली हो, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सके टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर। और क्लास 10 के लिए छात्रों के लिए ये 10 का प्रोवाइड कराना सीबीएसई बोर्ड का जो है एक अलग मायना इसलिए भी है, क्योंकि 10 को लेकर बात करें तो 12 के छात्रों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल देना होता है, क्योंकि 10th को फेस कर चुके होते हैं। लेकिन 10 के छात्र जो है कंप्लीटली नए होते हैं, तो इसमें उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आपके लिए। तो ये सारे एक्टिविटी का जो लिंक है सीबीएसई बोर्ड ने पहले 9-10 को लेकर ही दिया है कि आप लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ 11-12 की बात रही तो उसको लेकर भी उम्मीदें हैं कि सीबीएसई बोर्ड आपके लिए भी जो है इस तरीके से आपको एक सर्कुलर जारी करे, और आपके लिए भी जो है एक अच्छी अपडेट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से निकल के सामने आए। तो काफी बड़ी अच्छी प्लान है जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है आप लोग के लिए दिया गया है। तो 9 और 10 के छात्रों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी और गुड अपॉर्चुनिटी जो है सीबीएसई बोर्ड आपको प्रोवाइड करा रहा है टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग भी जो है टर्म 1 को लेकर पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयारियां करते रहिए। आपके लिए कई सारी सैंपल पेपर की वीडियो भी जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस तरीके से और भी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, एजुकेशनल वीडियो जो है आपके टर्म 1 को लेकर जो तैयारियों के लिए आपको लिए सबसे बेहतर होने वाला है, वो सारी वीडियो आपके लिए इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आपको मिलने वाला है। तो इसको लेकर जो है आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400400400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, ITJEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हमारी आने वाली जो हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचे सबसे पहले आप तक। आपके लिए हर एक वो जरूरी वीडियो जो आपके लिए जरूरी है टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर जरूरी है, वो सारी वीडियो जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।